ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટે એસબીઆઈને 21 માર્ચ સુધીમાં સંપૂર્ણ ડેટા ચૂંટણી આયોગને આપવાના આદેશ આપ્યા છે. એસબીઆઈને કોઈપણ જાણકારી છુપાવી ન હોવાનું એક એફિડેવિટ પણ આપવું પડશે. અને આના ઉપર વધુ વિગતો લઈએ અમારા સંવાદદાતા અસીમ અંચંદા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે એમની પાસેથી. અસીમજી, ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ મામલે મેં આજ સુપ્રીમ કોર્ટને એસબીઆઈ કો ક્યા નિર્દેશ દિયે હૈ? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डाटा सौंपने के निर्देश दिए थे. जब ये डाटा पब्लिश हुआ तब पाया कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए. इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था. आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि एसबीआई से पूछा कि आपने ये डाटा क्यों नहीं दिया, आप डाटा को लेकर के सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये डाटा सौंपना आपकी जिम्मेदारी है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की चेयरमैन को कहा है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने किसी भी तरह की जानकारी नहीं छुपाई है. इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो इस डाटा को पब्लिश करेगा. इसके साथ साथ जो सीआईओ और एसोचैम के चैम्बर्स है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सीरियल नंबर दिए जाते हैं तो इससे विच हंटिंग का खतरा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया.